सब्सक्राइब करें इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। सलमान खान के फैंस एक लंबे समय से उनकी शादी का इंतजार कर रहे हैं। ना सिर्फ इंतजार बल्कि उनके मन में ये सवाल भी है कि आखिर वो शादी कब करेंगे, और अक्सर इस सवाल का सामना सलमान खान भी करते हैं और फिर वो इस सवाल को वो कुछ इग्नोर ही करते हुए नजर आए हैं। कई बार दर्शकों ने उनसे ये सवाल किया है, उनके फैंस ने उनसे सवाल किया है, कई दफा तो कई शोज में भी उनसे ये सवाल किया गया है और सलमान खान इसका एकदम क्लियर या कन्फर्म जवाब देते हुए नजर नहीं आते हैं। लेकिन बिग बॉस सीजन 13 के इस वीकेंड का बार पर सलमान खान ने इस सवाल का एकदम क्लियर जवाब दे दिया है। जी हाँ, सलमान खान अगले 5 सालों में शादी करने वाले हैं। जी दरअसल हुआ कुछ यूँ है कि इस वीकेंड का वार पर घर में नए वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट विशाल आदित्य सिंह की एंट्री हो रही है। इससे पहले कि वो घर में एंट्री ले, सलमान खान के साथ एक टास्क करते हैं। इस टास्क में कार्ड पर लिखे सवाल का जवाब अगर हाँ है तो उन्हें लॉलीपॉप को लिख करना होगा। तो यहाँ पर विशाल और सलमान दोनों की शादी नहीं हुई है, तो सवाल होता है ये कि क्या आप अगले 5 सालों में शादी कर रहे हैं। तो सलमान खान कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया कि ये सवाल तुम्हारे लिए लिखे गए हैं कि मेरे लिए। तो विशाल कहते हैं कि सर बेसब्री से सब इस सवाल का इंतजार कर रहे हैं, तो आज आप इसका आंसर दे ही दीजिए। और फिर सलमान खान एक प्यारे से स्माइल के साथ उनके हाथ में जो लॉलीपॉप होता है उसे लिख करते हैं और बोलते हैं कि हाँ, अगले 5 सालों में मैं शादी कर रहा हूँ। तो आप सलमान खान के इस आंसर के बाद कितने एक्साइटेड हैं, इस पर अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताइए। और बिग बॉस की टेढ़े सीजन की और भी ऐसी कई और टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।